हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूँ अपनी मैथ की क्लास में। तो आप सभी कैसे हैं और कैसी आपकी तैयारी चल रही है? इसी उम्मीद के साथ कि बेहतर तैयारी चल रही होंगी, सभी बेहतर होंगे। हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, जहाँ हम पढ़ रहे हैं अपने लेक्चर 9 पर आ गए हैं और हम पढ़ रहे हैं HCF LCM। तो HCF LCM हम शुरू करेंगे इस बार। क्या HCF LCM होते हैं, क्या उनके पीछे लॉजिक्स हैं, थोड़ा सा समझेंगे जिससे कि हमको इनको याद कर इनको समझने में मदद मिले। तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे और फिर आ जाएंगे अपने प्रैक्टिस पर फटाफट। तो आप तैयार रहिए बिल्कुल, और लगत दबा के शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या HCF LCM है, क्या इनके लिए ज़रूरत होती है और किन चीज़ों की मदद से इनको सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले HCF और LCM जब हम नंबरों का निकालते हैं तो हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है फैक्टर्स और मल्टीपल्स, है ना। फैक्टर और मल्टीपल्स के जरिए ही HCF LCM निकाले जाते हैं, या हम ये कहें कि जो फैक्टर है ना, ये ही क्या है HCF, इसी के द्वारा निकलता है। और मल्टीपल जो है इसी के द्वारा क्या निकलता है, LCM निकलता है ना। तो फैक्टर, अब HCF क्या है यहीं देखते हैं हम, है ना। HCF और LCM, ये HCF का F जो है किसको बताता है, फैक्टर को, और LCM का M जो है ये किसको दर्शाता है, मल्टीपल को। फटाफट पढ़ते हैं, आप भी पढ़ेंगे। इफ ए नंबर इज डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली, वी से दिस इज फैक्टर ऑफ दैट नंबर, है ना। यदि कोई एक संख्या दूसरी से डिवाइड की जाती है, कंप्लीट डिवाइड होती है, तो उसका फैक्टर कहलाती है, और जिसमें वो डिवाइड की गई है वो क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। तो कैसे समझेंगे इसको, जैसे मैंने 12 में किसका भाग किया, 3 का। तो 12 3 को पूरा काट रहा है ना, 3 चौक 12, पूरा पूरा काट रहा है। तो जो 3 है ये तो किसका हो गया, 12 का फैक्टर, और ये जो 12 है ये क्या हो गया, 3 का मल्टीपल। फैक्टर यानी गुणनखंड और मल्टीपल यानी कि गुणज। तो ये दोनों चीज़ें हमको याद रखनी है, गुणज भी बोलते हैं, गुणांक भी, है ना, और फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है अच्छे से। फिर से समझ लीजिए, 3 में यदि हम 12 का भाग दे रहे हैं और ये पूरा कट जा रहा है, यानी शेष कुछ नहीं बच रहा है, तो 3 तो 12 का फैक्टर कहलाएगा और 12 3 का मल्टीपल यानी गुणज कहलाएगा, गुणज या गुणा हम बोलते हैं इसको। तो अब यहीं से देखते हैं HCF का कॉन्सेप्ट क्या है और LCM का कॉन्सेप्ट क्या है। तो HCF, ये जो हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, जब एक से अधिक नंबर है तो उनके फैक्टर होंगे, दोनों के अलग अलग फैक्टर होंगे, लेकिन हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। जैसे सपोज मैंने लिया यहाँ पर 12 और 18, ये दो नंबर लिए, क्या क्या फैक्टर है जिसके, इसको कौन कौन काटता है, इसको 2 भी काटता है, इसको 3 भी काटता है, 4 भी काटता है और 6 भी काटता है। जबकि 18 को कौन कौन काटता है, 18 को 2 काटता है, 3 काटता है, 6 काटता है और 9 काटता है। लेकिन इसके फैक्टर तो हो गए ये और इसके फैक्टर हो गए ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 6 भी, लेकिन उसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है, 6। तो ये ही क्या हो गया, 6 क्या हो गया इसका, HCF। तो HCF समझते हैं, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो HCF कहलाता है। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ये भी हम बोल सकते हैं यदि पूछा जाए, हालांकि जनरली नहीं पूछे जाते हैं लेकिन हमको समझ लेनी है बातें। आगे देखते हैं, तो HCF के मेथड क्या है, एक तो फैक्टर करके मेथड है कि आप इसका फैक्टर निकाल लीजिए, जैसा अभी आपको बताया है ना, अभी मैंने बताया कि एक 12 है मेरे पास और एक 18 है, जी फैक्टर कर लो इसके, क्या क्या फैक्टर है इसके, अभी तो मैंने बताया इसके गुणनखंड क्या क्या है, लेकिन अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो कैसे बनेगा, 2 × 2 × 3, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 3 × 3। अब इसमें हाईएस्ट क्या है जो दोनों में कॉमन है,
दोनों से एक दो लिया जा सकता है और दोनों से एक तीन लिया जा सकता है, तो दो और तीन छः है ना, इतना और इतना, इतना कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है तो ये छः ही क्या होगा इसका, एच सी एफ होगा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जो भी हमारे नंबर हैं उसका हम प्रोडक्ट के रूप में उसके फैक्टर बनाएंगे, जो भी कैसे होते हैं प्राइम नंबर हम लेते हैं यानी अभाज्य संख्याओं के लेते हैं, और उसमें जो हाईएस्ट कॉमन है अधिकतम कॉमन है उसको निकाल देते हैं, वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो ये चीज़ क्लियर है, और हमें डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं कि कौन बड़ा सा बड़े से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटेगी। एचसीएफ को कैसे याद रखें, एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काटती है, 12 और 18 को कौन सी बड़ी संख्या है जो काटेगी, 6, तो यही क्या हो गया एचसीएफ हो गया। आगे बढ़ते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है बच्चों, डिवीजन मेथड ये हमारा ये भी फटाफट काम करता है, कई बार संख्याएं बड़ी हो जाती हैं तो डिवीजन मेथड वहां आसानी से काम करता है। तो देखते हैं डिवीजन मेथड, इसमें हम भाग लगा के देखते हैं, जैसे मैंने 12 और 18 का लिया था अभी, आगे मैं और एग्जाम्पल भी लूँगा। तो एक संख्या मेरी 12 थी और एक 18 थी, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे, 12 कम 12 बचे कितने, 6। अब अभी तो शेष बच रहे हैं, अभी शेष बच जाएंगे तो ये वाली संख्या यहाँ लेके आ जाएंगे, इसको इस वाली संख्या को यहाँ लेके आ जाएंगे, तो ये आ गई 12 यहाँ पर। अब 6 दूनी 12, तो सबसे लास्ट में किससे कटा पूरा, 6 से कटा, जिससे सबसे लास्ट में वैल्यू कटी वही क्या हो गया एचसीएफ हो गया। तो ये चीज़ आपको पसंद समझ में आई होगी, समझ में आई है तो एक और क्वेश्चन आप करके दिखाइए फटाक से, है ना। जैसे हम लेते हैं 148 और 185, ये दोनों नंबर लेते हैं, तो ये दो नंबर देखिए क्या इसका एचसीएफ हो सकता है, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब या तो फैक्टर मेथड से करेंगे, या जैसी संख्याएं बड़ी हो जाती हैं तो हम तुरंत क्या लगा देते हैं, डिवाइड मेथड लगा देते हैं। तो करो पिछले वाले मेथड की तरह, हमने किया 148 148 छोटी संख्या से बड़ी संख्या यानी 185 में भाग दिया, एक बार जाएगा 148 हो गए, अभी कितना बचा 15, यानी ये बचे 7 और ये बचे 3। अब इस संख्या को यहाँ लिख लेंगे, है ना, क्योंकि अब तो इसमें भाग जाएगा नहीं, अब भाग नहीं जाएगा तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 148, कितनी बार जा रहा है देखो, 7 चौक 28, तो 4 बार चली जाएगी संख्या, है ना, 7 चौक 28, 3 चौक 12, 2 14 कट गई संख्याएं पूरी, संख्याएं पूरी कट गई, तो ये 37 ही क्या हो गया एचसीएफ हो गया। क्यों, क्योंकि इसी से सबसे लास्ट में संख्याएं कटी हैं, जिससे सबसे लास्ट में संख्याएं कटती हैं वही क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। तो ये चीज़ क्लियर है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझते चलनी है, फिर इसकी हम बहुत सी प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ मोर देन टू नंबर, दो से अधिक नंबर है तो आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब दो से अधिक नंबर है या तो फैक्टर के मेथड से निकाल सकते हैं या फिर डिवीजन मेथड, दोनों से ही लगा कर सकते हैं। ट्रिक और भी है जो मैं आपको आगे क्वेश्चनों के साथ बताऊंगा। तो अगर एक से अधिक नंबर है, जैसे ये रहा आपके पास, मैंने लिखा 18, 45 और 72, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काट रही हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काट रही हो तो कैसे निकलेगी। एक तो आप डिवीजन मेथड लगा सकते हैं जो अभी हमने सीखा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर, फैक्टर भी फटाफट काम आते हैं हमारे, है ना, जैसे इसका क्या बन रहा है 2 गुणा 9, अच्छा 2 गुणा 9 है तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, अब देखो ये 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कैसी संख्या है, ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यानी 9 के चांस बन रहे हैं, ये कितना हो गया 5 गुणा 9 और ये कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9, ये 3 गुणा 3 है ना, हमने इस तरह से लिख लिया। देखो आप बड़ी संख्या लिख सकते हो जो हमको दिख रही है कि 9 से कट रहे हैं, तो सब में अधिकतम कॉमन क्या है 9 ही तो है, अधिकतम कॉमन क्या है
नाइन है, तो नाइन ही क्या होगा इसका, HCF होगा। वही नौ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को काट सकती है। तो ये चीज़ें क्लियर हैं, और इस तरह के हम क्वेश्चन ले सकते हैं। और क्या क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर हमारे पास एक से अधिक संख्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 204 और 1190 और 1445, ये संख्याएं। तो अब बताइए इन संख्याओं का HCF निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब बड़ी संख्या है तो जल्दी से फैक्टर नहीं होते हैं, देखते हैं किस तरह से फैक्टर कर सकते हैं इनके। अब फैक्टर नहीं कर रहे हैं तो आप भाग विधि भी लगा लो, कोई ज़रूरी नहीं है फैक्टर करो। 104 1190 और मेथड क्या होंगे वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ इसको हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा सकता है, दो का पहाड़ा कितनी बार चला जाएगा यहाँ पर, पाँच बार। क्या करते हैं, जब तीन संख्याएं होती हैं तो पहले दो दो छोटी संख्याएं इन दो को लेते हैं, ये दोनों छोटी संख्याएं इन दोनों को लेंगे पहले। अब इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग कर देंगे, भाई बड़ी में छोटी का भाग करेंगे, छोटी में तो बड़ी, छोटी में बड़ी से तो भाग करेंगे नहीं। अब इसे करते हैं कितनी बार जाएगा ये, पाँच बार, चार पंजे बीस, और ये दस, ये हो गया। देखो कितना बचा, ये जीरो, ये सेवन और ये वन, 170। अब इस संख्या को यहाँ उतार लेंगे 204 को, ये कितनी बार जा रहा है जी, एक बार ही जाएगा 170, तो कितना बचा, चार ये बचा और इधर से बचे हमारे पास तीन, 34। अब कितनी बार, अब इसे 170 को फिर यहाँ लेके आएंगे 170, अब कितनी बार जाएगा ये, अब आप इस में फटाफट इसका भाग लगाएंगे तो पांच बार चला जाएगा, चार पंजे बीस और 15 और 217 कट गया, ठीक है। तो किससे कटी लास्ट में संख्या, 34 यानी 34 से, तो 34 इन दोनों का हो गया, इन दोनों का HCF क्या हो गया, 34। अब इसका और देखते हैं कि इनका क्या होगा, इन दोनों का HCF तो दो का HCF 34 हो गया, लेकिन इसको इस तीसरे से देखना है। तो तीसरे से हम किस तरह देखेंगे इसे, इस 1445 में 34 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार, सबसे पहले तीन बार जा रहा है, तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह, ज़्यादा हो गए, तीन चौक बारह, तो कितना हो गया, चार तिया बारह और बारह और एक, तीन तिया नौ, चार बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा बच्चे, चार बार जाएगा, चार चौक सोलह और चार तिया बारह और एक तेरह, तो कितने बचे, दस बचे, उतार लिया पाँच। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा ये तीन बार, तो तीन बार में कितनी बार, अभी जा रहा है ना इसलिए हमने ये संख्या नहीं लिखी, क्योंकि अभी भाग एक बार और चला जाएगा, तो तीन चौक बारह और तीन तिया नौ और एक दस, बचा कितना, तीन। हमने कहीं कोई मिस्टेक की है, हाँ चार चौक सोलह होना चाहिए था, ठीक है। तो बच्चों ये चार चौक सोलह होना चाहिए था, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक रही है। अब ये यहाँ से डिवाइड होगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आठ, केवल आठ रहेगा। अब इसमें भाग होगा तो कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा केवल, इसे दो बार कर लीजिए, तो ये आठ और ये छः, पैंसठ बच, अड़सठ बचेंगे, तो ये कितने बचेंगे, सत्रह, ठीक है। तो सत्रह को हम 34 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये दो बार वैल्यू कट जाएगी, है ना, इसे कर लेते हैं ऊपर, अच्छा ये दो बार कट गई आपको पता है 34। तो बस यही क्या हो गया आंसर, सबसे लास्ट में किससे कटी संख्याएं, सबसे लास्ट में 17 से कटी। तो ये चीज़ क्लियर है। अब देखो ऐसा कई बार हमको समय लग जाता है जब हम शुरुआत में कर रहे होते हैं,
लेकिन जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अब यदि मैं करता तो मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता इसको। मैंने यहाँ देखा था कितना, 34। ये कैसी है, एक ये इवन नंबर है और ये कैसा है, ऑड। ये सम संख्या है, विषम संख्या। सम संख्या कभी विषम को काटेगी? नहीं काटेगी। तो 34 तो काटने वाला है नहीं, 34 नहीं काटने वाला। तो 34 के और क्या फैक्टर बन रहे हैं? 34 के बन रहे हैं 2 गुणा 17। 2 गुणा 17 बन रहा है, 2 तो काटेगा नहीं इसको, तो क्या काटेगा फिर इसको, 17 ही काटेगा, क्योंकि यही बचा। और मैं तो यहीं पे टिक कर देता इसको कि ये 17 ही आएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। ये तो भी आप एक बार, हम इसको डिटेल में करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतने डिटेल की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मुझे 34 पता लगा और आगे विषम संख्या थी, 1445 एक विषम संख्या है, तो 34 तो काटेगा ही नहीं। हमने 34 के और फैक्टर देख लिए, 17 है और यही काटता है इसको। खैर आगे, तो इस तरह से आप 2 से अधिक का भी HCF निकाल सकते हैं। आगे LCM समझते हैं। LCM क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। और कैसी हो वो? छोटी से छोटी, दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। यानी अगर मैंने लिखा यहाँ पर 18, 24 और 36, तो वह संख्या क्या है जो छोटी से छोटी और इन सबसे कट जाए, तो क्या होगी? हम एक बड़ी संख्या का टेबल पढ़ लेते हैं, जैसे 36, 36 दूनी 72। तो 72 को 24 थी 72 भी काट रहा है और 18 थी 72 भी काट रहा है, तो 72 क्या हो गया? LCM हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन यानी छोटी होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसको तीनों काटें, 18 भी काट रहा है, 24 भी और 36 भी, ये सभी इसको काट रहे हैं। अब कैसे कैसे निकालते हैं इसको? फैक्टर मेथड होता है। फैक्टर मेथड हमारा 18, 24 और 36। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। अच्छा, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 24 के? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 36 के? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो कुछ ऐसा लेना है जो सब चीज़ें आ जाएं और कुछ बचे ना। जैसे मैंने लिया क्या, 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना। और यहाँ क्या है, यहाँ देखिए अभी 2 2 फालतू है ना, 1 ही 2 आया है, तो 2 2 और ले लिए। अब यहाँ देखिए ये 2 2 हैं, 2 तो हमारे पास हैं और 2 ही 3 है, 2 3 हमारे पास हैं, अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो यही क्या हुआ है हमारा, LCM हो गया। अब इसे हम कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 6 तीय 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 72। तो 72 क्या होगा इसका? LCM हो गया 72। ये हो गया आपका फैक्टर मेथड। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमने इसलिए समझाया कि कभी क्वेश्चन फैक्टर में आ जाए तो कैसे करना है। फैक्टर में हमें वो सब ले लेना है जिसमें ये सब आ जाए। अब देखो ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिया, इसमें ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा और ये भी इसमें आ जाएगा, वो सभी आ जाने चाहिए। बाकी हमारा डिवीज़न मेथड क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया 18, 24 और 36, हम इसको काटते हैं, जो हम फैक्टर मेथड के इस तरह से कहते हैं, यानी कि जैसे हमने पहले 2 से इसको काटा, कितनी बार कट गया है? ये 9 बार, ये 12 बार, ये 18 बार। अभी 2 से बाकी 2 भी कट रहे हैं, तो अभी भी 2 से हम काट लेते हैं, कितनी बार कटेंगे? ये तो नहीं कटेगा, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ये अभी भी कट रहा है, तो फिर से 2 से काट लेंगे, ये 9 है, ये 3 है और ये 9 है। अब 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितनी बार कटेंगे? 3 बार, 1 और 3, और फिर 3 से काट देंगे, अब सब क्या हो गए? 1 1 1 हो गए। तो ये जो सारे गुणा है ये हमारा LCM हो गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस सब गुणा करेंगे तो 72 आ गया। तो ये समझ गए मेथड। तो इस तरह से ये मेथड हमको, अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम शॉर्ट के साथ करेंगे, वो हम वहीं पर समझेंगे, लेकिन ये जो इनकी बेसिक चीज़ें हैं ये आपको समझ लेनी है। एक और हम चीज़ याद रखेंगे कि हमारे काम आएगा कई बार, किन्हीं भी 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का गुणनफल,
उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी हमारा नंबर है जैसे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये बात केवल तभी होगी जब दो संख्याएं हों, तीन या चार के लिए नहीं। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम, तो याद रखना ये फॉर्मूला। कोई एक नंबर हमको विभिन्न कर देगा और दूसरा पूछ लेगा एच सी एफ एल सी एम दे देगा, यानी यहाँ चार चीज़ें हैं, दो संख्याएं, एक एच सी एफ एल सी एम, तीन चीज़ें देगा एक पूछेगा, हमेशा ही इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप फॉर्मूला रट लेंगे फिर हम इस पर आगे क्वेश्चन करेंगे। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका कोई जिसका एच सी एफ केवल वन होता है, यानी जिसमें आपस में कुछ कॉमन ना हो, जैसे मैंने लिखा आठ और तेरह, क्या होते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है कुछ भी। अच्छा, मैंने लिख दिया छः और दस, तो इन दोनों में तो दो कॉमन है ना भाई, दो कॉमन आ जाएगा, ये तीन रह जाएगा, ये पाँच रह जाएगा, तो ये हमारी सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य क्या होती है, जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जिसका एच सी एफ एक हो, जैसे मैंने लिखा आठ और पाँच, तो इसमें कुछ कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनका यूज काफ़ी होगा इसमें, क्या यूज होगा, जब भी हम एच सी एफ लेते हैं तो जो बचती हैं कोई भी दो संख्याएं तो सह अभाज्य संख्याएं बच जाती हैं, क्योंकि एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन होता है, और हाईएस्ट कॉमन निकल गया तो फिर कॉमन क्या बचा, केवल वन। तो वहाँ से भी हम इन क्वेश्चनों को करेंगे, ये आपको चीज़ें समझ लेनी है। आगे कई बार होगा हमारा फ्रैक्शन के एच सी एफ और एल सी एम पूछे जाएंगे, उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद कर लेने हैं, दो फॉर्मूले हैं आप याद कर लेंगे। जैसे एच सी एफ एल सी एम जब भी आता है, जैसे उसने कहा दो बटे तीन, पाँच बटे छः, चार बटे दो, तीन बटे आठ, इस तरह से कुछ संख्याएं लिख दी, कि इन सभी का एच सी एफ निकालें और एल सी एम निकालें, तो अब ये हमारे लिए अलग अलग संख्याएं नहीं हो गई, पहले सभी के क्या हो गए, अंश हो गए, न्यूमरेटर्स हो गए, और एक बार सभी के हर यानी नीचे वाली संख्याएं हो गई डिनोमिनेटर हो गए। ठीक है, तो जब भी हम एच सी एफ निकालेंगे तो हमें ध्यान रखना है एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एच सी एफ क्या निकलेगा, पहले हम एच सी एफ निकालेंगे अंशों का, न्यूमरेटर्स का एच सी एफ निकालेंगे, और उसमें भाग किसका कर देंगे, एल सी एम निकाल कर डिनोमिनेटर्स से भाग, डिनोमिनेटर का जो भी एल सी एम आएगा उसका भाग कर देंगे। ये चीज़ क्लियर है, यानी एच सी एफ निकालना है तो ऊपर वालों का एच सी एफ और नीचे वालों का एल सी एम। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा बनेगा, अभी संख्याएं अलग अलग नहीं है, ये बनेगा ऐसे कि दो पाँच चार और तीन, इन सभी का क्या बनेगा, ऊपर तो एच सी एफ निकालना है, हम एच सी एफ निकाल रहे हैं, बटे नीचे क्या क्या बचे हैं, तीन छ दो आठ, इनका क्या एल सी एम, ये हो गया जी इसका तरीका। ठीक है, संख्याएं फ्रैक्शन नहीं रह जाएंगी, दो हिस्सों में बट जाएंगी। जब हम एल सी एम निकालेंगे तो ऊपर का एल सी एम और नीचे वाली संख्याओं का एच सी एम, न्यूमरेटर्स का एल सी एम और डिनोमिनेटर्स का एच सी एफ। तो देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। अब बताओ इसमें क्या किसका एल सी एम निकालेंगे, ऊपर की संख्याओं का एल सी एम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एच सी एफ निकालेंगे, यानी फिर से ध्यान रखना है जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं वो अंशों की और उसका दूसरा हरों की। तो यहाँ क्या करने वाले हम, टू फाइव फोर और थ्री, इसका क्या निकालेंगे एल सी एम, बटे थ्री सिक्स टू और एट, इसका क्या निकालेंगे एच सी एम, ये एल सी एम वाली प्रक्रिया होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, फिर इन पर क्वेश्चन करेंगे, तब तक ये आपको चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, और जब आप एक बार क्वेश्चन करने लगोगे तो ये चीज़ें बड़े आसानी से होने लगेंगे। अब कुछ डेसिमल्स आते हैं, तो डेसिमल का एच सी एफ एल सी एम कैसे निकालेंगे, सपोज हमारे पास आ गया 3.5 और 1.8, इसका एच सी एफ निकालो,
तो क्या करेंगे हम इसको फ्रैक्शन बना लेंगे, 3 5 ये पॉइंट था तो पॉइंट हटा, नीचे 0 लगा दी, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 5 से कट जाएगा 7 बार और ये 2 बार, ऐसे ही इसके भी बटे 10 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ये 2 से 9 बार 5 बार, तो 9/5, ठीक है। अब ये दो संख्याएं हो गई, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो डेसिमल का एचसीएफ एलसीएम कुछ नहीं है, जो फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम है वही डेसिमल का भी एचसीएफ एलसीएम है। तो ये चीज़ें क्लियर हैं, इनको आप अच्छे से एक बार स्टडी कर लोगे, वीडियो दोबारा से देख लोगे, जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप फिर जब सवाल करें तो फटाफट सवालों को कर पाएं, बेसिक आपको क्लियर हो जाए। कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसको काटना है। जैसे क्यों, ये क्यों ज़रूरी है कि यानी 3.5 था, अगर आप इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 3.5 आपने पॉइंट के नीचे हमने एक रखा और 0 बढ़ा ली, पॉइंट कट गया, तो अब इसे हम 35/10 लेके सॉल्व नहीं करेंगे, 35/10 लेके सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा, पहले उसको काट के छोटा कर लेंगे, यानी मैं कंपेरिजन को सिंपल करना कह दूँ तो भी वही बात है, पहले इसको सिंपल कर लेंगे, जैसे 5 से कट गया, ये 7 बार और ये 2 बार, तब सॉल्व करेंगे। अगर इसी को लेके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, स्पेशली एचसीएफ के क्वेश्चन में गलती होगी। तो हमेशा जब भी कोई फ्रैक्शन आए तो फ्रैक्शन को पहले छोटा बना लेना है, काट के, यानी 2 से कट रहा है 2 से काट लो, 3 से कट रहा है 3 से काट लो, जिससे भी दोनों संख्याएं कट रही हैं उससे काट लो, तभी उसका हम क्या करेंगे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। और वो कट किससे रही हैं, इसके लिए भी हमको एचसीएफ निकालना पड़ जाता है कभी कभी, उस तरह के भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप इनको अच्छे से देख लीजिए, एक बार रिवाइज करके वीडियो देख लीजिए, जो चीज़ें समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, लाइव क्लास में पूछिए, ठीक है, जिससे कि बेसिक अच्छी तरह स्ट्रांग हो जाए। बाकी चीज़ें हम फिर शॉर्ट से भी करेंगे और बेस से भी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ, जहाँ हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।